पुष्पा टू जो ये एक टीजर रिलीज हुआ है इसका, अब इसका ट्रेलर भी आएगा, लेकिन मैं आपको कुछ एक प्रेडिक्शन देना चाहता हूँ, अपनी तरफ से प्रेडिक्शन देना चाहता हूँ इस फिल्म के बारे में। दोस्तों जब ये फिल्म थिएटर में लगेगी ना, ये समझ लीजिए कि या तो ये बहुत बड़ी हिट फिल्म होने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाई करने वाली है, या फिर बहुत ही मिनिमम जाएगी। क्योंकि कुछ लोगों का क्रेज़ इसलिए है कि आखिरकार इस फिल्म में ऐसा क्या दिखाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर पुष्पा का सिर्फ एक लुक ही दिखाया गया है, जिसमें वो एक साड़ी और वियरिंग दुपट्टा और उस तरह की चीज़ें पहनकर एक जो मंदिर में फेस्टिवल्स होते हैं साउथ में, वहाँ पर उस तरह के एक वेशभूषा पहनकर वो वहाँ पर चल रहे हैं और गुंडों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि आखिरकार इस बार जो है ना, वो कड़ी बहुत बड़े स्तर पर जाने वाली है, क्योंकि इस बार वो कहीं और हैं, उस जगह पर ना होकर जहाँ पर वो पहले रहा करते थे। और इस बार वो अपने घर वालों से भी बदला लेंगे, अपने खानदान से भी बदला लेने वाले हैं, उसके चाचा से, जो उसके चाचा बोला करते थे ना उल्टा सीधा, इस बार वो ये भी होने वाला है। क्योंकि स्टोरी में कुछ ना कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा। हर बार ऐसा तो नहीं है कि चंदन तस्कर पहले हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा क्या दिखाया जाएगा? अब तो बड़ा आदमी हो गया ना, अब बड़ा आदमी होने के बाद क्या दिखाया जाएगा? क्योंकि स्टोरी एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि जो साउथ में फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट पर काम किया जाता है, स्टोरी पर काम किया जाता है, नरेशन पर काम किया जाता है, उसके बाद एक सीन जो कैसे लिया जाना है, कहाँ पर लिया जाना है, उसकी लोकेशन, सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो फिल्म है, इसकी जो चीज़ें हैं, वो बेहद ही शानदार होने वाली हैं और बहुत अच्छी होने वाली है, मुझे लगता है। यानी कि एक छोटा सा प्रेडिक्शन करने के लिए मैंने वीडियो बनाया, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा कुछ हो सकता है।